नमस्कार, YouTube चैनल दि ठाट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक उन जीवों से है जिनसे इंसान को मिले हैं नायाब तोहफे। तो देखते हैं ये वीडियो। नंबर एक पर है रेशमी कीड़ा। सिल्क वर्म से इंसान को बेहद मूल्यवान रेशम मिलता है। वयस्क होने से पहले ही यह कीड़ा अपने आसपास रेशम के कीड़े बनाने लगता है। असल में यह कीड़ा खुद को रेशम में लपेटता है। यह 3000 मीटर लंबा रेशम बना सकता है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हों तो सावधान हो जाएं। कुछ खास किस्म के वाइन और बियर बनाने में दूसरे जीवों की मदद ली जाती है। इन्हें फिल्टर करने के लिए फिश बल्ब्स की मदद ली जाती है। नंबर तीन, मादा गुबरेला। दोस्तों, मादा गुबरेले की इस खास प्रजाति कोचनिएगल बग से डाई के लिए ज़बरदस्त लाल रंग मिलता है। इस कीड़े के कवच के पीसने से खाने का रंग लाल मिलता है। इस लाल रंग को दही, जेली, आइसक्रीम या मछली में भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने के डिब्बे पर अगर E120th लिखा हो तो समझ लीजिए कि आप कोचनिएल कीड़े से बने रंग खा रहे हैं। अगला टॉपिक है पंछियों की बीट में कई विस्फोटक भी होते हैं। पेरुवियन गुआनो की बीट में बहुत ज़्यादा फास्फोरस होते हैं। समुद्र के किनारे पत्थरों पर मिलने वाली इस बीट को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उससे विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। यूरोप में इसका निर्यात बहुत होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलते हैं आगे। ये सोचकर भले ही आप नाक मुंह सिकोड़ें, लेकिन चीवेट बिल्ली के मल से दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी निकलती है। 1 किलो कॉफ़ी का दाम 1000 यूरो तक हो सकता है। चीवेट बिल्ली कॉफ़ी के फल खाती है तो उसकी आंतों में मौजूद खास एंजाइम कॉफ़ी के बीजों को कुछ इस अंदाज में बदलते हैं कि मल के साथ स्वादिष्ट कॉफ़ी निकलती है। अगला है मेहनती मधुमक्खी। दूसरे जीवों से मिलने वाला सबसे आम प्रोडक्ट शायद शहद ही है। 1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 30-40 लाख फूलों की ज़रूरत पड़ती है। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी साल भर में 20 से 30 किलो शहद बनाती है। अगला टॉपिक है मकड़ी और कुछ कीटों के अंडों में ऐसे परजीवी पाए जाते हैं जो जाल बुनने में मदद करते हैं। अब इस जाल के इस्तेमाल पर रिसर्च भी हो रही है, तो है ना काम की चीज़। अगला और लास्ट टॉपिक है काम की काई। चश्मे के फ्रेम, खिलौने, ATM कार्ड और पैकेजिंग मटेरियल बनाने में समुद्री काई का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड इन प्रोडक्ट को जैविक रूप से विघटित होने लायक भी बनाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल दि ठाट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।